हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बी की इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बी की इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं फिर लाया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये आपके जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो डू ऑल दिस क्वेश्चंस फुली वेल। आप इसे अच्छी तरह से करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसे हम देख लेते हैं क्या है। सो आप कैसे इसे लिखेंगे, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले इसमें जो है हमें 50 से लेकर 54 तक करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। What were the things on the walls of the classrooms? देखिए अगर यहाँ classrooms नहीं होगा, अगर classroom होगा तो कोई बात नहीं, यह हटा दीजिएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छी तरह से, ठीक है। क्या कहा कि what were the things on the walls of the classroom? Classroom के दीवार पर कौन सी चीज़ें थी, ठीक है, क्या चीज़ें थी दीवारों पर, आपको बताना है कि क्या थी। जैसे पिक्चर वगैरह, तस्वीर, अगर आपने पढ़ा होगा पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम हैव पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर। देखिए क्या कहता है, क्लास के दीवार पर, ठीक है, क्या थे, दीवारों पर शेक्सपियर के तस्वीर थे, पिक्चर्स, ओके। बिल्डिंग्स विथ डोम्स, उसके बाद भवनों के भी तस्वीर थे, भवन जो होता है ना डोम्स के साथ जो गुंबज होता है उस हिसाब से, और वर्ल्ड मैप्स, वर्ल्ड विश्व का जो नक्शा है, विश्व के नक्शे भी थे, यानी उसके तस्वीर, सबों का तस्वीर है यहाँ, ठीक है। एंड ब्यूटीफुल वैली, सुंदर घाटियाँ जो है उनके भी तस्वीर थे वहाँ। तो ये सारी चीज़ें थी दीवार पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 51। हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर चीज़, कोई भी सुंदर चीज़ जो होती है वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद का स्रोत कैसे होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इट नेवर पासिस इन टू नथिंगनेस। देखिए क्या कहा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोई भी एक सुंदर चीज़ जो होती है ना वो हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होती है, क्योंकि इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका जो सौंदर्य है वो हमेशा बढ़ता जाता है, ठीक है। एंड इट नेवर पासिस इन टू नथिंगनेस, और ये कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। तो ये है, देखिए ये पोएम जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी लिया गया है, एंड दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन किट्स। तो मैं एक चीज और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपके जो बुक हैं उसमें जितने भी पोएम इस बार सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, उनके आप पोएम्स के नाम और उनके जो पोएट हैं, ठीक है, पोएट्स, उनका नाम आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा। यस, जस्ट मगअप करिए, और जितने भी स्टोरीज भी आपको पढ़ना है तो उसके भी ऑथर्स को मगअप कर लीजिए, समझ गए, क्योंकि आपको 2 से 3 नंबर ये दिला देंगे फिक्स, 3 से 4 नंबर भी जा सकता है। देखिए आगे क्या कहता है, 52। Why has mother been compared to the late winter's moon? माँ की तुलना जो है late winter's moon से क्यों की गई है, है ना। तो ये जो है माई मदर 866 बाय कमला दास, उस पोएम से लिया गया, माई मदर 866, याद होगा आपको, है ना। दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय कमला दास, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी तरह से बनेंगे, देखिएगा। तो चलिए क्या कहता है, देखिए क्यों तुलना किया गया उसका लेट विंटर से। कहता है द पोएट्स मदर हैज़ बिन कम्पेयर टू द लेट विंटर्स मून। उसकी माँ, यानी जो कवि है उसकी कवित्री जो है उसकी माँ का तुलना जो है लेट विंटर्स मून से की गई, क्योंकि देखिए कहता है बिकॉज सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ एज द लेट विंटर्स मून लुक्स हैजी एंड ऑब्सक्योर। देखिए क्या कहा, क्योंकि वो बता रही है सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि वो अपनी साइन, चमक और ताकत जो है यूथ होती है ना, युवा अवस्था की, वो खो चुकी है। एज द लेट विंटर्स मून लुक्स, जैसे कि लेट विंटर्स का मून जो होता है ना कैसा दिखता है, वो धुंधला दिखेगा, एकदम ऑब्सक्योर, ठीक है, हैजी, धुंधला, ऑब्सक्योर, वही होता है, यहाँ सिमिली यूज हुआ है, तो आप इसे इस तरह से लिख लीजिएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। वाई हैड एम हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। एम हेमल जो थे वो स्पेशल ड्रेस उस दिन क्यों पहने हुए थे, विशेष प्रकार का खास ड्रेस वो पहने हुए थे। तो देखिए क्या कहता है, एम हेमल हैड पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेशन। ठीक है, क्योंकि उनका ये अंतिम फ्रेंच लेशन था उस दिन जो है, इसलिए वो अच्छे पोशाक पहने हुए थे, उनकी विदाई हो रही थी उस दिन के बाद से, वो
जा रहे थे, वहाँ से जा रहे थे, ठीक है. आफ्टर दैट ही वुड नॉट बी एबल टू टीच इन दैट स्कूल बिकॉज ही वॉज गोइंग अवे एंड न्यू टीचर वुड कम टू टीच जर्मन लैंग्वेज. देखिए वही चीज़ बताया ना, क्योंकि उसके बाद से जो है वो उस स्कूल में वहाँ वो नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना, वो क्योंकि वो जा रहे थे और जो नए शिक्षक थे वो कल यानी अगले दिन जो है आ जाएंगे, जर्मन लैंग्वेज वाली जो है जर्मन भाषा के टीचर आने वाले थे वहाँ, ठीक है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 53. चलिए अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है, ये आपका 54 है ना. हु वर सॉफी एंड जेंसी, सॉफी और जेंसी कौन थे, ठीक है. तो देखिए सॉफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, वो दोनों क्लासमेट्स भी थे और फ्रेंड्स भी थे, बट दे वर पोल्स अपार्ट इन टेस्ट एंड टेम्परामेंट. लेकिन देखिए दोनों में, दोनों क्लासमेट्स भी थे और दोनों फ्रेंड्स भी थे, लेकिन दोनों में आकाश जमीन का फर्क था, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर. कैसे? टेस्ट और टेम्परामेंट में, स्वभाव में, रुचि में, रुझान में, दोनों के जो विचार थे बिल्कुल अलग अलग थे, दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे. देखिए सॉफी वॉज अ डे ड्रीमर, सॉफी एक डे ड्रीमर थी, यानी दिवा सपन देखने वाले, दिन में सपना जैसे देखते हैं ना कोई, उस तरह से. सी ड्रीम्ड ऑफ बिग एंड ब्यूटिफुल थिंग्स विच वर बियॉन्ड हर लिमिट्स वेयर एज जेंसी वॉज रियलिस्टिक. देखिए क्या कहता है वो, सॉफी जो थी डे ड्रीमर थी, वो हमेशा बड़े और सुंदर चीज़ों का सपना देखती थी जो कि उसके पहुंच से बिल्कुल बाहर थी, जबकि जेंसी वॉज रियलिस्टिक, वो बिल्कुल वास्तविक थी, यानी कि इस वास्तविक दुनिया से सरोकार रखती थी, ठीक है. तो ये आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है. तो ये था हमारा आज का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, तो आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो क्वेश्चन आपके बचे हैं उसको भी बहुत जल्द मैं करवा दूंगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.